गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे जो क्रेडिट का मतलब है वो क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं मनी सप्लाई की। क्रेडिट का यहाँ पे मतलब है मनी सप्लाई से इकोनॉमी में, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में, दो चीज़ें हुए हैं। मनी की सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी तो क्या होगा। या अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें कि अगर क्रेडिट जो है इकोनॉमी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा और क्रेडिट फ्लो कम होगा तो क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट दो चीज़ों पर पड़ता है। पहला इन्फ्लेशन पर, प्राइस स्टेबिलिटी जिससे इफ़ेक्ट होती है। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। मनी क्यों ज़रूरी है, एक आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करनी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी से होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अच्छे से होनी चाहिए, और उसके लिए जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हो गए या एग्रीकल्चर के पर्सन्स हो गए, उनके पास पैसा होगा तभी वो प्रोडक्शन आगे कर पाएंगे। मतलब क्रेडिट का फ्लो जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, ज़्यादा होगा लोगों के पास पैसा होगा तभी वो उसको प्रोडक्शन में लगा पाएंगे। दूसरा, अगर फ्लो ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, फ्लो ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, डिमांड तो उतनी ही रहेगी, आप जितना आपका कंजम्पशन है कंजम्पशन तो इंक्रीज़ नहीं कर दोगे आप अपना, तो लेकिन मनी सप्लाई इंक्रीज़ है तो लोग सेम क्वांटिटी के लिए ज़्यादा पे करने के लिए रेडी होंगे, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं कि इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है और दूसरा कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर हम फ्लो ज़्यादा करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नो डाउट होगी, पॉजिटिव पॉइंट हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी, वो नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल के लिए ज़रूरी है कि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल एसेंशियल कंडीशन है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए। तो जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, जैसे RBI है, वो यूज़ करता है मनी सप्लाई जिसे हम कहते हैं, या क्रेडिट सप्लाई जिसे हम कैसे कह सकते हैं, उसे एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। क्रेडिट कंट्रोल इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री का। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है रेगुलेट करना क्रेडिट को बाय सेंट्रल बैंक फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। और जो पॉलिसी है क्रेडिट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन की, उसी को हम क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। देन क्रेडिट कंट्रोल जो RBI करती है, जो सेंट्रल बैंक करता है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है आपने अगर न्यूज़ में सुना होगा तो रिज़र्व रेशो, रेपो रेट, रिज़र्व रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLRR, ये टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो ये जो टर्म्स हैं वो सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी के। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है क्रेडिट कंट्रोल का। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज़ डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी। जो मेन एम है क्रेडिट कंट्रोल का वो है स्टेबलाइज करना डोमेस्टिक प्राइस लेवल को। अगर डोमेस्टिक प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इफेक्ट होंगे। क्रेडिट कंट्रोल इंश्योर करता है कि स्टेबिलिटी प्राइसेस की मेंटेन हो। दूसरा पॉइंट है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। डोमेस्टिक करेंसी की क्या वैल्यू है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, वो डिसाइड करती है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में कितनी है। लाइक कि अगर हम सिंपल सा हम एग्जांपल लें कि एक US डॉलर अगर हम कहें 75 रुपीस के इक्वल है, तो अगर वो इंक्रीज होता है, एक US डॉलर 85 रुपीस के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब आपकी जो करेंसी है कंट्री की
उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। आपको जब पे करना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो आपका जो फ्लो है रुपीस का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी क्रेडिट कंट्रोल को मेंटेन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को अचीव करना भी अनदर ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट कंट्रोल का। फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो क्रेडिट कंट्रोल इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है उसमें स्टेबिलिटी आए। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल्स। जो साइकिल्स आपकी हैं, ट्रेड साइकिल, बूम पीरियड है, फिर रिसेशन हुआ, फिर डिप्रेशन तक पहुँचे, फिर रिकवरी हुई और फिर अगेन बूम पीरियड हुआ, तो उसे भी कंट्रोल मनी सप्लाई के थ्रू किया जाता है, क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ अनदर ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट कंट्रोल का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंकर करती है इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके लिए आपको लार्ज रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। वहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि किस सेक्टर को आपको ग्रो करवाना है और किस सेक्टर को आपने ग्रो नहीं करवाना है। तो उसे आप जो इम्प्लीमेंट ये चीज़ करते हो कि कौन सा सेक्टर ग्रो होना चाहिए, कौन सा सेक्टर ग्रो नहीं होना चाहिए, उसे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू आप करते हैं। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्रेडिट कंट्रोल के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई जो है, उसके पास क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए दो मैथड्स हैं। एक है क्वांटिटेटिव मैथड्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मैथड्स। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्वांटिटेटिव एंड क्रेडिट क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है नेचर में। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब कि अगर आप क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स को यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पूरी इकोनॉमी के हर एक सेक्टर पर जाता है। जो दूसरा हमारा मेथड है दैट इज़ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स को हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स भी कहते हैं। वो आपको सिलेक्टेड एरियाज जहाँ पे आपको क्रेडिट कंट्रोल करना है, सिलेक्टिव एरियाज को कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ करते हो। वो स्पेसिफिक एरिया को अगर आपने ग्रो करवाना है या उसको डिस्करेज करना है, उसके लिए आप क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स यूज़ करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की। टोटल क्वांटिटी जो है क्रेडिट की इकोनॉमी में, उसे कंट्रोल करने के लिए आप क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल यूज़ करते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मेजर्स, टेक्निक्स हैं जो आरबीआई है उसके पास, जिसके थ्रू वो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल करती है। जो सबसे पहला टेक्निक है दैट इज़ बैंक रेट। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। क्या होता है ये? वो रेट होता है जिस रेट पर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करता है कमर्शियल बैंक्स के बिल। अगर ये जो बैंक रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पब्लिक से लोन के ऊपर, क्योंकि आरबीआई ज़्यादा डिस्काउंट रेट चार्ज कर रही है कमर्शियल बैंक से। इसका मतलब कि अगर जो आरबीआई है उसने क्रेडिट को एक्सपैंड करना है, मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, क्रेडिट को इंक्रीज करना है, एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन करना है उसका, तो उसे बैंक रेट को लो रखना होगा। अगर बैंक रेट को उसने हाई किया तो जो क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि महंगा लोन मिलेगा तो लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, लोग नहीं लेंगे। तो बैंक रेट इफेक्ट करेगा आपके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल को। ये हम जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे करेंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के, बेसिकली हमने इसमें देखना क्या है कि क्रेडिट को कंट्रोल जब आपको करना है, कंट्रोल इन द सेंस कि क्रेडिट को आपने एक्सपैंड करना है
बढ़ाना है या क्रेडिट को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, तो उसके लिए वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। बैंक रेट अप टू ईयर 1973 जो बैंक रेट था वो रेंज जो उसकी थी 1% से 7% थी। सेवन्थ प्लान पीरियड में वो 12% हुई। जून 2009 में जो बैंक रेट था वो 6% था। नेक्स्ट जो आता है दैट इज ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशो, SLR जिसे आप कहते हैं। ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? ये वो रेशो होती है जिस रेशो में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अपनी एसेट्स लिक्विड फॉर्म में रखनी होती है। स्ट्रेचरी मतलब कंपलसरी है, लिक्विडिटी रेशो नेम से ही क्लियर है कि लिक्विड फॉर्म में आपको उसे रखना है। ये लिक्विड फॉर्म में जो एसेट रखनी है वो बैंक को अपने पास ही रखनी है। लिक्विड एसेट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और अदर सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में आप इनको रख सकते हैं जो नोटिफाई की है RBI ने। अगर जो RBI है वो SLR को ज़्यादा कर देगी तो इसका मतलब कि बैंक को अपने डिपॉजिट्स जो उसके पास आए हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा रखने होंगे, तो बैंक के पास कम फंड्स होंगे लोन के लिए सप्लाई करने के लिए, लोन देने के लिए। सिमिलरली अगर SLR को कम कर दिया जाता है तो इसका मतलब कि जो बैंक है उनके पास ज़्यादा अमाउंट होगा लोन देने के लिए। जो SLR है वो RBI फिक्स करती है, यूजुअली 19% टू 39% के बीच में ये रेंज करती है, पर कम ज़्यादा ये हो सकती है जैसे भी RBI को ठीक लगे। जून 2019 में जो ये रेशो थी वो थी 19%। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में अगर बाय सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट, तो उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। अगर जो RBI है वो सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है ओपन मार्केट से, परचेज कर रहा है मतलब जब वो परचेज करेगा तो उसके पास तो सिक्योरिटीज आई, लेकिन उसने क्या दिया? पैसा दिया। पैसा किसके पास गया? जिससे सिक्योरिटीज उसने परचेज की, सेल जिसने पर्सन ने की उसके पास तो पैसा आया ना। तो ओपन मार्केट से अगर सिक्योरिटीज RBI परचेज कर रही है इसका मतलब वो पैसा देगी परचेज करने के लिए, तो जो फ्लो ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी में एक्सपैंड होगा। अगर वो सोल्ड करती है तो उल्टा होगा, पब्लिक परचेज करेगी, RBI सोल्ड कर रही है तो RBI के पास पैसा आएगा। इसका मतलब कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो डिक्रीज होगी, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्रेडिट रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी क्रेडिट की इकोनॉमी में जो RBI है वो डिसाइड करती है कि उसने परचेज करनी है सिक्योरिटीज या सेल करनी है। नेक्स्ट इज योर कैश रिजर्व रेशो, CRR जिसे हम कहते हैं। रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है कैश रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के लिए ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है ये रेशो को मेंटेन करना। जो CRR होता है वो मिनिमम कैश रिजर्व होता है जो हर एक बैंक को मेंटेन करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के साथ। मतलब कि कैश फॉर्म में उसे जो एसेट्स हैं वो रखनी होंगी RBI के पास। तो अगर जो RBI है वो CRR को इंक्रीज कर देता है इसका मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को बैंक के पास ज़्यादा अपनी जो डिपॉजिट्स हैं वो कैश में रखने हैं। अगर CRR इंक्रीज होती है तो जो बैंक है उसके पास लेस फंड्स होंगे लोन को देने के लिए, एज अ लोन पब्लिक को देने के लिए। तो अगर CRR इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर CRR डिक्रीज है तो इसका मतलब कि जो बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा अमाउंट है लोन देने के लिए, तो क्रेडिट जो है वो एक्सपैंड होगा। तो CRR जो है वो एज हाई एज 14% भी रही है 1993 में। प्रेजेंट बात करें तो जून 2019 में CRR जो थी वो 4% थी। नेक्स्ट इज़ योर रीपर्चेज ऑक्शन रेट जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, एंड रिवर्स रीपर्चेज ऑक्शन रेट जिसे रिवर्स रेपो कहा जाता है।
रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट मेन मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स है। रेपो